एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायकों के समर्थन के लिए बैठकें कर रहे हैं, वहीं कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह इन विधायकों का मजाक बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को महामहिम बताते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि शेरा तो महामहिम है, बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं। अपनी सरकार पर आए संकट को टालने के लिए कमलनाथ एक एक विधायक की बात सुन रहे हैं और उन्हें पद और काम होने का भी आश्वासन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। ऐसे में उनके कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने विधायक शेरा का जमकर मजाक उड़ाया, कभी उन्हें महामहिम कहा तो कभी उनकी तुलना बंदर तक से कर दी। गोविंद सिंह ने कहा कि शेरा बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं। अब ये शेरा से पूछो क्यों बंदर जैसी उछल कूद करती हैं, ये उनको साफ बताना चाहिए। अब हमें तो रोका नहीं किसी ने, अब शेरा को रोका तो शेरा स्पष्ट करें कि कौन से दल ने कौन से लोग उनको ऐसे महामहिम को रोक रहे हैं। मंत्री बनाना शेरा के हाथ में नहीं है, बनना बनाना ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ऊपर है। किसको बनाना है किसको नहीं बनाना उनका अधिकार क्षेत्र न गोविंद सिंह का न शेरा का। सुरेंद्र सिंह शेरा के बेंगलुरु से आए वीडियो पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि वे बताएं उन्हें किसने रोका था, किस दल के लोग थे, उन्हें हर चीज का खुलासा करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई कर सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।